सो थैंक यू हम लोग से बात करने के लिए. मेरा नाम शिवालिक प्रसाद है. मैं इस कंपनी से ग्रोस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम लोग ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी है. इसका मतलब ये है कि हम गाड़ी में या बाइक में या कार में, बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में हम अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं और वो सॉफ्टवेयर इस गाड़ी को या बाइक को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, क्लाउड से कनेक्ट करते हैं. और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम गाड़ी के अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर एक कैंपस करके एक चीज़ होता है जो जिस पर दुनिया भर का डेटा जनरेट होता है. जैसे आपने ब्रेक दबाया तो डेटा निकला, आपने एयर कंडीशन ऑन किया तो डेटा निकला, आपने लाइट ऑन किया तो डेटा निकला. इस तरह के हज़ारों लाखों डेटा जनरेट होते हैं गाड़ी के अंदर. तो सिग्नोस का सॉफ्टवेयर इस डेटा को पूरा पढ़ लेता है और इसको कुछ कंडीशन के बेसिस पर उसको पैकेज बना करके सर्वर पर भेज देता है. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने कंडीशन लगाया कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और अगर एयरबैग डिप्लॉय हुआ तो आप बोलोगे ठीक है, अगर एयरबैग डिप्लॉय हुआ तो हर 5 मिली सेकेंड पे मुझे सीट बेल्ट का डेटा दो, सीट सेंसर का डेटा दो, ब्रेक का डेटा दो, स्टीयरिंग व्हील का डेटा दो और एक्सीडेंट 1 मिनट पहले दो और एक्सीडेंट 1 मिनट बाद कर दो. इस तरीके से आप पूरा एक्सीडेंट को ब्लैक बॉक्स जैसा भी एनालाइज कर सकते हैं. आपको पता चलेगा एयरबैग डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ, सीट बेल्ट कोई पहना हुआ था नहीं पहना था, गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे, ब्रेक मारा कि नहीं मारा, सामने कोई जानवर तो नहीं आ गया तो उसका स्टीयरिंग करना पड़ा. इस तरह से आप पूरा गाड़ी का एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं एक्सीडेंट कैसे होगा. जी एक एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आपने अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी दिया या आपने भाई को अपनी गाड़ी दिया. अब आप देखना चाहते हैं कि मेरे भाई जो गाड़ी चला रहा है सेफ तरीके से चला रहा है कि नहीं चला रहा. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ से अगर वो मिनट चला के गया उसने कितना बार ब्रेक यूज़ किया, किस गैप पर चलाया, राइट, उसने सीट बेल्ट पहना था कि नहीं पहना था. तो गाड़ी में जितना डेटा जनरेट हो रहा है सेंसर के बेसिस, सेंसर के द्वारा जितना डेटा निकलता है हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके उसको मोबाइल ऐप पर डाल सकते हैं. और वो डेटा आप फाइनेंस कंपनी यूज़ कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी यूज़ कर सकता है, आप खुद यूज़ कर सकते हैं. उसका एक यूज़ है. दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि हम गाड़ी का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं. तो जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में बारिश काफ़ी होता है जी, और दिल्ली में उतना बारिश नहीं होता है. हाँ. और गाड़ी अगर आप यहाँ से मुंबई लेके जाइएगा तो गाड़ी सेंस कर सकता है कि अगर शिवाजी आप मुंबई में हो. हाँ. तो पानी बहुत बरस रहा है तो आपको मैं वाइपर सेटिंग चेंज कर लूँ क्या. अच्छा. अगर मैं ओके करूँगा सिस्टम पे, स्क्रीन पे, तो ऑटोमेटिकली सर्वर से एक नया फाइल आएगा और वाइपर को अपडेट करूँगा यहीं सर्वर से ऑनलाइन. ऑनलाइन गाड़ी में सिम कार्ड आ रहा है आजकल. सो गाड़ी अपने आप, अभी क्या होता है हम गाड़ी खरीदते हैं उसको 3 बार सर्विसिंग होता है गाड़ी चलता रहता है. अब क्या होगा सॉफ्टवेयर के दौरान गाड़ी कंटिन्यूसली अपडेट होते रहे जैसे मोबाइल फ़ोन होता है और गाड़ी बेटर होते रहे. गाड़ी आपको बता देगा कि आप बहुत लंबा जाने वाले हैं, आपका ब्रेक पैड थोड़ा घिस गया है, आप उसे चेंज करा दें सॉफ्टवेयर के माध्यम से. हाँ, अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से. सो सब कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन है. और जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी आ रहा है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रेंज, कि मेरा गाड़ी का रेंज कितना, कितना दूर तक मेरा गाड़ी जाएगा जी. तो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके बता देगा, देखिए अगर आप फ्लाईओवर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा पावर लगेगा, आपका रेंज कम हो जाएगा, तो नीचे नीचे से जाइएगा तो आप और ज़्यादा जा सकते हैं. आपका गाड़ी का रेंज कम हो जाएगा, एसी मत ऑन करिए तो आपका गाड़ी का रेंज खत्म हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगा, आप गाड़ी रुक जाएगा. तो ये सब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा जो हम लोग सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं वो सब कैलकुलेट होगा और ईजी होगा. कम सर ये रोड सेफ्टी को भी लेके अच्छा काम करता है. दूसरा गाड़ी अगर मान लो चोरी हो जाती है या गाड़ी अब क्या होता है कि अभी क्या है कि गाड़ी को तार से जोड़ करके इंजन ऑन करके लोग ड्राइवर चोरी करके ले जाते हैं जी. अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि जो ड्राइव जो चाबी भी है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है जी. अगर आप बटन दबाते हैं या फॉब की होता है तो अपने आप गाड़ी ब्लूटूथ पर सिंक होता है, गाड़ी ऑन हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, हर हफ्ता या हर महीना या हर 2 महीना डिपेंडिंग ऑन गाड़ी कंपनी को क्या करना है, हम उसका सिक्योरिटी सेटिंग चेंज कर सकते हैं. तो उसके डुप्लीकेट की बनाना बहुत मुश्किल है और एक सिक्योरिटी सेटिंग नहीं होगा. ऐसे हम कर सकते हैं कि हर ऑड नंबर के लिए अलग होगा, इवन नंबर के लिए अलग होगा, लाल गाड़ी के लिए अलग होगा, पीला के लिए अलग होगा, तो गाड़ी चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप देखिएगा टेस्ला जैसे कंपनी है US में, उसको चोरी करना नामुमकिन के बराबर है बिकॉज वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है. आप सॉफ्टवेयर अगले साहब सॉफ्टवेयर क्रैक कर दिए, हैक कर दिए तो बहुत मुश्किल होता है, इजी काम नहीं है. मैकेनिकल हो जाता है, चाबी बना करके चोरी करके भाग गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में इंजन ही नहीं ऑन होगा आपका, तो इंजन में सॉफ्टवेयर के बेसिस पे चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर को लॉक कर देते हैं. तो अब ये सब हम सिग्रॉस ये सब काम. सर सॉफ्टवेयर मार्केटिंग में ये कंपनी आपकी कब आई और आपका क्या स्थिति है आज? सॉफ्टवेयर
पहले तो आधा लोग को सॉफ्टवेयर समझ भी नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 सारे कंपनीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग कल ही अनाउंस किया, हम लोग महिंद्रा के साथ काम करना शुरू किया एंड महिंद्रा जो अगली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं उसको, उसका पूरा OTA ओवर दी एयर जो बोलते हैं और डेटा लॉगिंग सिब्रॉस करेगा, हम लोग महिंद्रा के साथ काम करेंगे और वो ग्लोबली चलेगा। तो अगर महिंद्रा कल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है तो वो पुणे या चेन्नई या मुंबई या दिल्ली से बैठ करके उसको मैनेज कर सकता है। सो इंडिया के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सर अगर ये इसमें कीमत की बात करें तो मिनिमम कितने कीमत से शुरू होता है? कीमत हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बेचते, हम कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी बिकता है वो खाली गाड़ी कंपनी को बेचते हैं, गाड़ी कंपनी को जाता है तो उनके प्राइस में वो इम्पैक्ट होगा, अलग से कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं। तो जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं उसमें देखते इसका चिप है या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरीके से अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप गाड़ी खरीदो उसमें सिब्रॉस है क्या,